तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना नदी की ओर, जो है कि हम आगे का आपको सीन दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। सो सामने से आपको दिखाते हैं। ऊपर तो लाया था। अरे ना पकड़ के, घड़ियाल है इसके अंदर। गंगा तो उधर है बना, आप दिल्ली से ऊपर देखो यमुना को। साफ है, साफ मिलेगा, साफ साफ है, साफ। और आप दिल्ली के बाद दिल्ली हरियाणा जितने भी सारे नाले गटर पटर के पानी सारे सब इसी में, मतलब सभी नदी से मिला हुआ है ना। अरे 70% पानी पूरे वहीं है, गटर और नाले। और दिल्ली में भेजे क्या करे, क्या साले इतनी फैक्ट्रियां केमिकल इसमें जा रहे हैं, सारी सब चीजें इसी में गिर रहा है, ताजमहल के पीछे से भी जा रहा है। अभी सर ये तो यहाँ कुछ कम है, आगरा में होकर पूरा हो जाता है। अरे आगरा में कितना ऊपर बढ़ते चले, कानपुर में और ज्यादा हो जाएगा, इलाहाबाद में। इधर देखो देखो कछुआ कछुआ छोटा बच्चा, देखो कछुआ का बच्चा भाग गया। देखो गहराई कितना होगा इसमें? गहराई तो बीच में तो ये है कि आपके नार तक चला जाएगा पानी। अब कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कैसे किधर पैर पड़ जाए। तैरना जानते लोग ना? हाँ, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का नहीं, पूरा तैरना है, जानवे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों लोकनाथ जी, हमारे डॉक्टर साहब, जो कि काफी फोटो खिंचवा रहे हैं, काफी खुश हैं, क्योंकि आज जो है कि मथुरा में आकर बहुत ज्यादा इनको खुशी मिल रही है। और इधर ये देख रहे होंगे हम लोग का गाड़ी जो है कि आया हुआ, इसी में हम लोग जो है कि आए हुए हैं। फोटोग्राफर है ना इसलिए। अरे यार बकरे में। सो दोस्तों देख रहे होंगे इसी गाड़ी से हम लोग जो है कि आए हुए हैं, हमारे दोस्त लोग जो है कि गाड़ी के साथ में भी फोटो खिंचवा रहे हैं। सभी लोग बस में बैठ चुके हैं और दर्द से जो है बैठ गए रहिए, लगातार रहिए, कंटिन्यू रहिए, ताकि सभी तरीके से आपको जो है कि हम दिखाने का प्रयास करें, यानी आप भी इंजॉय करते रहें, हम भी इंजॉय करते रहें, देखते रहिए। यहाँ तो पैसा आता है सर जी, हाँ, जो कि हम लोग घुमाने के लिए लाए हुए हैं, देख रहे हैं। अभी जो है कि हम लोग निकल रहे हैं, जो रास्ते पे गांव पड़ता है उस गांव पे घुसे हुए हैं। आप देख रहे होंगे उस गांव का चित्र, जो कि हमारे साइड जैसे गांव है उसी तरीके से इधर भी गांव है, इधर भी फसलें होती हैं। आप देख रहे होंगे एक तालाब है, और आप हर जगह गति करोगे, मूवमेंट करते हुए तो आप देखिए पता चलेगी आपके हुए। हेलो आजा, फोटो खींचा हमारे सब बुक हो गए, व्हाट्सएप कर दिया। कहाँ गए? सबको देखना है।
हेलो अरे पीछे पीछे नजर रखना पीछे भी देखते रहना आराम से रुक रुक के बनाना बनाना तो भैया खोजा गेट में मिलेगा जिसका बच्चा खोया है गेट पे मिलेगा अब ऐसे में देखिए सामने से दोस्तों देखते रहिए प्रेम मंदिर में हम लोग जो है कि पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा जो है कि दृश्य है जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों हम लोग घूमने जरूर आए हैं लेकिन साथ ही साथ आप लोग को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ का जो है कि दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर एक बार कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि कैसा हमने रिकॉर्डिंग किया है, तो अच्छे तरीके से आप देखिएगा। मैं काफ़ी अच्छा से अच्छा तरीके से बनाने के अपने से प्रयास कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू आप रहिए ताकि मैं सारा दृश्य आपको दिखा सकूँ। आप देखते रहिए लगातार। अब आगे का सीन आपको दिखा चुके हैं और पीछे थोड़ा सा जा रहे हैं, उधर से कभी सीन दिखाएंगे। और ये दोस्त लोग हैं जो कि सभी लोग साथ में आए हुए हैं। बाकी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है यहाँ घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फीलिंग हो रहा है? अरे एंजॉय, फुल एंजॉय। और हमारे दोस्त लोग को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अरे एकदम क्या कहेंगे, फुल एंजॉय। वो लोग भी आके थे। और गुरु जी आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ कर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहा है? ले लीजिए। बड़ा राम रहा है।
प्रकट हुए हैं। इस फवारे पे आप देख सकते हैं, इस फवारे पे सारे चित्र दिखाए जा रहे हैं। आप से ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। इधर आपको रथ दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप महाभारत जैसे युद्ध में देखे होंगे, जो कि हम लोग सामने खुद से देख रहे हैं। अब अंदर से अंदर ये देखिए दोस्तों, विश्राम गृह है, जो कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो यहाँ पे आकर अपना विश्राम कर सकता है। ले घूम रहा हूँ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। पहाड़ का दृश्य से जहाँ से पानी निकल रहा है आपको सामने से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इधर पेड़ है, सपोर्ट है, उधर उसका सपोर्ट है। अरे झंडा जो लगे ना सपोर्ट ना लग रही है कोई पता ना कि पत्थर गए बिट्टू पत्थर गिना है फाइबर इतना रोकने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। Yeah.
खड़ा है कि नहीं? ये देखो दोस्तों, घूमते घूमते काफी टाइम हो चुका है, जो है कि अब धीरे धीरे हम लोग जो है कि बाहर से निकलेंगे भी, निकलते सील से पानी आ रहा है। लास्ट में जो है कि आपको दिखाएंगे, लास्ट के समय में जाते जाते थोड़ा एक नजारा और बढ़िया से जो है कि आप लोग देख लीजिए। फोटो भी लेना, खाली वीडियो नहीं। ये सब वो तस्वीरें हैं जो कि आप रामायण में देखे होंगे, रामलीला वगैरह में देखे होंगे, वो सब चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हनुमान जी, सुखदेव जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समस्त अपने सेनाओं के साथ यहाँ पे। पत्थर तैर रहे हैं ना जी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पत्थर जो कि पुल बनाए गए थे, वो पत्थर तैर रहे हैं सभी, तो तैरते हुए पत्थर आपको दिखेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी झूला झूल रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो काफी टाइम हो चुका है, तो आप जो है कि हम लोग निकलने का तैयारी करेंगे। जो है कि निकलने का रास्ता है, क्योंकि सामने से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कभी भी आप आएंगे तो इधर से ही आपको एंट्री मारने का और इधर से निकलने का जो है कि दिखेगा। चलो रिकॉर्डिंग ये है, तो दोस्तों हम लोग जो है कि अब मथुरा से रिटर्न हो चुके हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग जो है कि अभी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं और टुंडला पे, और हम लोग का जो है कि वही मैक्सिमम 10 बजे के आसपास में जो है कि संबलपुर एक्सप्रेस है, जो है कि उसी से हम लोग को निकलना है। तो हम लोग जो है कि काफ़ी तैयारी में हैं और निकलेंगे टाइम से।